तो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे पाउडर्स एंड ग्रैन्यूल्स। इस चैप्टर के अंदर हमने क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले तो हमने पाउडर की डेफिनेशन पढ़नी है। नेक्स्ट हमने इस चैप्टर के अंदर इनसफलेशंस पढ़ना है, इनसफलेशंस क्या होती हैं। नेक्स्ट हमने डस्टिंग पाउडर्स पढ़ना है। नेक्स्ट हमने इस चैप्टर के अंदर पढ़ना है एफरवेसेंट पाउडर्स। एंड लास्ट टॉपिक जो हमने इस चैप्टर में पढ़ना है वो है एफरवेसेंट ग्रैन्यूल्स। तो ये हमारे टॉपिक रहेंगे इस चैप्टर के अंदर आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो सिलेबस के अकॉर्डिंग देखें तो हमने ये 5 टॉपिक्स पढ़ने हैं टोटल। फर्स्ट हमने पाउडर की सिर्फ डेफिनेशन पढ़नी है और कुछ भी नहीं पढ़ना, क्योंकि पाउडर हमने इससे पहले वाले चैप्टर में पढ़ लिया है डिटेल के अंदर। तो इसमें हम सिर्फ डेफिनेशन पढ़ेंगे और इस चैप्टर के अंदर हम इनसफलेशंस के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे और डस्टिंग पाउडर के बारे में पढ़ेंगे, एफरवेसेंट पाउडर्स एंड लास्ट एफरवेसेंट ग्रैन्यूल्स के बारे में। तो अब हम स्टार्ट करते हैं पाउडर क्या होते हैं। पाउडर्स क्या होते हैं? पाउडर्स आर यूनिट सॉलिड डोसेज फॉर्म। यूनिट डोसेज फॉर्म भी होती है और सॉलिड डोसेज फॉर्म भी होती है। यूनिट सॉलिड डोसेज फॉर्म मेंट फॉर इंटरनल एंड एक्सटर्नल यूज। इंटरनल एंड एक्सटर्नल यूज मतलब कि पाउडर्स क्या होते हैं। पाउडर एक यूनिट सॉलिड डोसेज फॉर्म है जो किस लिए बनाए जाते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल बोथ यूजेस के लिए। मतलब कि कुछ पाउडर्स होते हैं जो हम स्किन पर लगाते हैं, कोई भी डस्टिंग पाउडर्स होते हैं तो हम उन्हें स्किन पर डस्ट करते हैं जिससे कि क्या हो जाएगा, कोई स्किन का इन्फेक्शन है, कोई लोकल इफेक्ट के लिए हम उसे एक्सटर्नली यूज़ करते हैं। और इंटरनली हम पाउडर्स को वाटर में मिक्स करके भी हम उसे मतलब कि लेते हैं कि जिससे कि हमें सिस्टमिक एक्शन आए। तो ये जो पाउडर्स है इंटरनली एक्सटर्नली दोनों तरह से यूज़ हो सकते हैं। अब हम बात करेंगे जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है इनसफलेशंस। तो आपके इनसफलेशंस क्या होते हैं? इनसफलेशंस जो एक तरह से डस्टिंग पाउडर ही होते हैं, बट ये कौन से डस्टिंग पाउडर होते हैं जो कि मेडिकेटेड होंगे। तो इनको हम क्या बोलेंगे, दीज आर सॉलिड डोसेज फॉर्म। दीज आर सॉलिड डोसेज फॉर्म बट नोन एज मेडिकेटेड डस्टिंग पाउडर्स। medicated dusting powders and meant for external use only, meant for external use only। मतलब इनसफलेशंस क्या होते हैं, ये वो वाले सॉलिड डोसेज फॉर्म पाउडर्स होते हैं जो मेडिकेटेड डस्टिंग पाउडर्स होंगे। मतलब डस्टिंग मीन्स कि जो सिर्फ बॉडी के एक्सटर्नल यूज़ के लिए ही काम में आएंगे, सिर्फ हम बॉडी पे एक्सटर्नली ही यूज़ कर सकते हैं, डस्ट कर सकते हैं पाउडर्स को, उन्हें हम बोलते हैं डस्टिंग पाउडर्स। उन्हें हम इंटरनली कभी नहीं ले सकते, तो वो सिर्फ बॉडी पे यूज़ करने के लिए होते हैं, बॉडी कैविटीज़ पे यूज़ करने के लिए होते हैं। तो जो इनसफलेशंस होंगी ये मेडिकेटेड डस्टिंग पाउडर्स होंगे जो हम बॉडी कैविटीज़ पे यूज़ कर सकते हैं और बाहर स्किन पे यूज़ कर सकते हैं। तो इनके अंदर ड्रग मिक्स होगी, मेडिसिन मिक्स होगी। जो कि सिंपल डस्टिंग पाउडर होता है उसके अंदर मेडिसिन मिक्स होगी, उसे हम बोलते हैं इनसफलेशंस। और ये कहाँ यूज़ होते हैं? ये एक्सटर्नली यूज़ होते हैं। इसके अलावा ये बॉडी कैविटीज़ में यूज़ होते हैं। बॉडी कैविटीज़ में जैसे कि बॉडी कैविटीज़ लाइक ईयर, नोज़, वेजाइना। तो ये जो बॉडी कैविटीज़ हैं इसके अंदर भी ये इनसफलेशंस यूज़ किए जाते हैं। तो बॉडी कैविटीज़ में इंसर्ट करने के लिए इनसफलेशंस के लिए डिवाइस आती है जिसका नाम होता है इंसफलेटर। तो इनसफलेशंस को इंसर्ट करने के लिए या फिर यूज़ करने के लिए इनसफलेटर डिवाइस आती है। इनसफलेटर ये क्या है? ये एक डिवाइस है जो कि यूज़ की जाती है इनसफलेशन को बॉडी कैविटीज़ में यूज़ करने के लिए। तो ये जो हम इनसफलेटर यूज़ करते हैं, ये जो डिवाइस होती है, ये कैसी डिवाइस होती है? ये प्रेशर्ड एरोजोल जैसी डिवाइस होती है। मतलब जैसे हम डिओड्रेंट यूज़ करते हैं या फिर परफ्यूम यूज़ करते हैं तो वो जो मिस्ट होता है, मतलब ड्रॉपलेट्स निकलते हैं उसके अंदर से, प्रेशराइज्ड डोसेज फॉर्म है ये। मतलब कि आप क्या कहने का मतलब है कि प्रेशर से ड्रॉपलेट्स बाहर निकलेंगी। तो जो प्रेशराइज्ड डोसेज फॉर्म होती है वो एरोजोल होती है। तो एरोजोल की फॉर्म में एक डिवाइस आता है। एरोजोल जैसे ड्रॉपलेट्स निकलेंगी वैसे ही इनसफलेशन की जो ड्रॉपलेट्स हैं पाउडर की वो भी ड्रॉपलेट की फॉर्म में ही एरोजोल से बाहर आएंगी। और जो डिवाइस यूज़ होता है इनसफलेटर और जो प्रोडक्ट होता है वो है इनसफलेशन। तो ये पाउडर फॉर्म है जो कि हमारे बॉडी कैविटीज़ में यूज़ करने के लिए बनाई जाती हैं। तो अब हम इसके बाद बात करेंगे इंसाफिलेशन जो बनता है तो इसकी पैकेजिंग कैसे होती है, इसकी स्टोरेज कैसे होती है और इसकी लेबलिंग कैसे होती है। तो सबसे पहले तो इसकी कंटेनर कैसा होगा, इसका जो कंटेनर होगा वो सेम यही जो भी मैंने आपको बताया प्रेशराइज्ड एरोजोल होगा कि प्रेशराइज्ड डोसेज फॉर्म के लिए एरोजोल यूज़ किया जाता है। इसके अलावा और भी बहुत सारे स्टेनलेस स्टील के कंटेनर्स यूज़ किए जाते हैं एरोजोल बनाने के लिए। मतलब जो आपका डिओड्रेंट आता है वो भी किस में आता है, टिन प्लेटेड या एल्यूमिनियम के कंटेनर में आता है या फिर स्टेनलेस स्टील के कंटेनर में आता है डिओड्रेंट। तो वैसे ही इसके लिए भी वही मटीरियल यूज़ किया जाता है एरोजोल बनाने के लिए। और दूसरा है इसकी लेबलिंग। लेबलिंग में इसका आएगा कि फॉर एक्सटर्नल यूज़ ओनली, ये लेबल करना ज़रूरी होता है क्योंकि ये जो मेडिसिन है ये अगर कोई गलती से इनटेक कर ले ओरली तो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हो सकती है। इसलिए लेबलिंग के अंदर ये हाईलाइट करना ज़रूरी होता है कि ये जो ड्रग है ये सिर्फ एक्सटर्नल यूज़ के लिए है या फिर बॉडी कैविटीज़ के यूज़ के लिए है। अब इसके बाद हम लास्ट बात करेंगे इसकी स्टोरेज की। तो इसकी स्टोरेज जो है वो कूल प्लेस पे करनी चाहिए क्योंकि ये प्रेशराइज्ड डोसेज फॉर्म है, इसलिए इसको कूल प्लेस पे रखना चाहिए। अगर इसको ज़्यादा टेम्परेचर पे हम स्टोर करेंगे तो टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से जो कंटेनर है वो ख़राब हो सकता है, मेल्ट हो सकता है एल्यूमिनियम का कंटेनर। इसके अलावा जो प्रेशराइज्ड डोसेज फॉर्म है वो भी ख़राब हो सकती है। तो इंसफलेशंस जो डोसेज फॉर्म है वो हमें कूल प्लेस पर स्टोर करनी चाहिए। इसके अलावा इसके यूजेज़ की बात करें तो लास्ट इसके जो यूजेज़ हैं वो है कि जो हम इंसफलेशंस बॉडी कैविटीज़ में यूज़ करते हैं तो वो हम लोकल एरिया के इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए करते हैं। एग्जाम्पल जैसे नोज़ में कोई इन्फेक्शन है, ईयर में कोई इन्फेक्शन है या ईयर की क्लीनिंग करनी है, इसके अलावा वेजाइना में कोई इन्फेक्शन है, बैक्टीरियल हो गया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कोई भी XYZ कोई भी फंगल इन्फेक्शन हो गया तो उसको ठीक करने के लिए लोकल एरिया के लिए हम यूज़ करते हैं इंसफलेशंस। तो ये क्या है, लोकल इन्फेक्शंस को ठीक करने के लिए इंसफलेशंस को यूज़ किया जाता है बॉडी कैविटी में, लोकल इन्फेक्शन के लिए यूज़ होते हैं। तो अब हम इसके बाद बात करेंगे इंसफलेशंस के एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस की। तो इंसफलेशंस के एडवांटेजेस क्या हैं, इसके एडवांटेजेस हैं कि ये बनाना बहुत ईजी है, ईज़िली मैन्युफैक्चर्ड, हम इसको ईज़िली बना सकते हैं। इसमें ज़्यादा मतलब कि कोई भी टेक्निक्स की ज़रूरत नहीं पड़ती, ज़्यादा इक्विपमेंट्स की या ज़्यादा मैन पावर की ज़रूरत नहीं पड़ती इसमें। तो दूसरा है इसका एडवांटेज कि ये ईज़िली हम इसको स्टोर कर सकते हैं। इसको स्टोर करने के लिए हमें कोई रेफ्रिजरेटर की या फिर ज़्यादा टेम्परेचर की ज़रूरत नहीं पड़ती, हम इसे ईज़िली स्टोर कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि ये जो है ये ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होता, नॉट सो एक्सपेंसिव। जो इंसफलेशंस हैं ये ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होते तो कोई भी पुअर पेशेंट इसको ईज़िली अफोर्ड कर सकता है। तो इसका जो लास्ट एडवांटेज है वो है कि ये जो इंसफलेशंस हैं ये कंटेमिनेशन नहीं होते, नो कंटेमिनेशन। कैसे, क्योंकि ये एरोजोल के अंदर पैक होते हैं, एरोजोल फॉर्म में होंगे। जैसे डिओड्रेंट हो गया या फिर परफ्यूम हो गया, इस फॉर्म में अगर हम किसी मेडिसिन को बना रहे हैं तो इसका एडवांटेज है कि इसमें कंटेमिनेशन नहीं होगा। वाई, क्योंकि लिए अगर जैसे कि हम टैबलेट की बात करें तो या सिरप की बात करें तो जो भी हम बॉटल के अंदर सिरप है या टैबलेट्स हैं उसमें हम बार बार से हम डोज़ निकाल रहे हैं, मल्टी डोज कंटेनर्स में इसमें हम बार बार टैबलेट को निकाल रहे हैं, सिरप ले रहे हैं बार बार, तो उसको बार बार हम खोलेंगे, बार बार वो एयर के कांटेक्ट में आएगा, एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आएगा ड्रग जो है। तो वो क्या है, डस्ट की वजह से, एटमॉस्फेयर की वजह से ख़राब हो सकती है, कंटेमिनेशन हो सकता है। बट इस केस में क्या होगा, कंटेनर पूरी तरह से बंद है, क्लोज्ड है, अच्छे से वो खुलता नहीं है कंटेनर, सिर्फ मिस्ट बाहर आता है थोड़ा सा। इसके अलावा उसमें हम ना तो उसको टच कर रहे हैं ड्रग को, ना ही ड्रग को एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में लेकर आ रहे हैं, तो वो पूरी क्लोज्ड है एक तरह से ड्रग जो है। तो इस वजह से इसके अंदर कभी भी कंटेमिनेशन होने के चांसेस नहीं होते। तो ये भी इसका एक अच्छा एडवांटेज है कि इसमें कंटेमिनेशन नहीं हो सकता। तो ये हो गई बात एडवांटेजेस की। अब लास्ट हम बात करेंगे डिसएडवांटेजेस की। तो इसका एक ही डिसएडवांटेज है, बाकी सभी इसमें एडवांटेजेस हैं। तो इसका एक डिसएडवांटेज क्या है कि इसके अंदर डोज डिसाइड नहीं हो पाती, नो एक्यूरेसी ऑफ डोज। कैसे कि जैसे हमने बात करी कि टैबलेट हमने 100 mg की दी तो एक टैबलेट में 100 mg ड्रग होगा ही होगा। क्यों? क्योंकि लिए हमने मेज़र करके टैबलेट पंच करा है। तो इस पे अगर हम बात करें तो इसके अंदर हम जितना मिस्ट करेंगे उतना ड्रॉपलेट्स बाहर निकलेंगे, ठीक है, उतना पाउडर बाहर निकलेगा। बट अगर हम बात करें कि अगर हम कम मतलब कि उसको वो कर रहे हैं, पंच कर रहे हैं, मतलब उसको कम प्रेस कर रहे हैं, अगर हम एक्चुएटर को, एक्चुएटर क्या होता है जो हम प्रेस करते हैं डिओड्रेंट का या फिर एरोजोल का, जैसे मूव आती है तो उसके ऊपर भी एक्चुएटर लगा होता है। तो वो जो एक्चुएटर है जो जब हम उसे पंच करेंगे या प्रेस करेंगे तो उसमें जितना मिस्ट निकलेगा वो हमारे अकॉर्डिंग है कि हम उसे कितना प्रेस कर रहे हैं। कम प्रेस करेंगे तो कम ड्रग बाहर आएगी, ज़्यादा प्रेस करेंगे तो ज़्यादा ड्रग बाहर आएगी। तो उसमें डोज़ की एक्यूरेसी नहीं रहती कि अगर हमें चाहिए कि हमें 20 mg ड्रग चाहिए मिस्ट में से, तो वो एक्यूरेसी नहीं है कि 20 mg ही निकलेगा, ऐसा नहीं होता। अगर आप कम प्रेस करेंगे तो 10 mg ड्रग निकलेगी या हो सकता है 5 mg ड्रग निकलेगी, ज़्यादा प्रेस कर दोगे तो हो सकता है 50 mg ड्रग निकल जाए। तो वो डोज़ की जो एक्यूरेसी है वो इसमें मेंटेन नहीं रख सकते हम, क्योंकि लिए ऐसा डोसेज फॉर्म है, इसमें अपनी मर्ज़ी से ड्रग निकलेगी, इसमें एक्यूरेट मतलब डोज़ की ड्रग नहीं निकलती है, यही इसका एक डिसएडवांटेज है। तो इसके साथ हमारा जो इनसफलेशन टॉपिक है वो ख़त्म होता है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, डस्टिंग पाउडर्स। नेक्स्ट टॉपिक इज़ डस्टिंग पाउडर्स। डस्टिंग पाउडर्स क्या होते हैं? डस्टिंग पाउडर वो वाले डोसेज फॉर्म या वो वाले पाउडर्स जो कि सॉलिड डोसेज फॉर्म होंगी, दूसरा कि जो बनाई जाएंगी मेंट फॉर एक्सटर्नल यूज़। तो जो डस्टिंग पाउडर्स होंगी ये सिर्फ एक्सटर्नल यूज़ के लिए बनाई जाती हैं। और डस्टिंग पाउडर्स बहुत सी तरह के होंगे, इसके 4 टाइप्स हैं। फर्स्ट टाइप इज़ मेडिकेटेड डस्टिंग पाउडर, मेडिकेटेड डस्टिंग पाउडर्स। नेक्स्ट इज़ सर्जिकल डस्टिंग पाउडर्स, सर्जिकल डस्टिंग पाउडर्स। थर्ड इज़ डेंटल पाउडर्स, डेंटल डस्टिंग पाउडर्स। लास्ट फोर्थ इज स्नफ्स। तो ये 4 टाइप के डस्टिंग पाउडर्स हैं। फर्स्ट इज़ मेडिकेटेड डस्टिंग पाउडर, सेकेंड इज़ सर्जिकल डस्टिंग पाउडर्स, थर्ड इज़ डेंटल डस्टिंग पाउडर्स एंड लास्ट फोर्थ इज़ स्नफ्स। तो अब इसको 1 by 1 हम शॉर्ट में करेंगे, ज़्यादा डिटेल में हमने नहीं करना है इसको। तो फर्स्ट कौन सा है? मेडिकेटेड डस्टिंग पाउडर। मेडिकेटेड डस्टिंग पाउडर्स में क्या आएगा? जैसे कि मेडिकेटेड से आपको पता लग रहा है कि सिंपल जो डस्टिंग पाउडर है, टाल्क है, कोई भी सिंपल टाल्क, उसके अंदर हम कोई भी ड्रग ऐड कर दे, कोई भी मेडिसिन ऐड कर दे, तो वो मेडिसिन ऐड करने के बाद वो क्या बन जाता है? मेडिकेटेड डस्टिंग पाउडर, जो कि सिर्फ़ और सिर्फ थेरापेटिक यूज़ के लिए ही यूज़ किया जाता है। सिर्फ हमें कोई थेरापेटिक एक्शन चाहिए तो ही हम इसे यूज़ करेंगे, इसको जनरली यूज़ नहीं करते क्योंकि ये एक तरह की मेडिसिन है। तो अगर हम बात करें नॉर्मल टाल्क की, तो वो हम नॉर्मली कूलिंग सूदिंग इफ़ेक्ट के लिए यूज़ करते हैं। नॉर्मल टाल्क हम बॉडी पे लगाते हैं कि जिससे कूलिंग इफ़ेक्ट आए, हमें अच्छा ठंडा फील हो। बट अगर हम इसकी बात करें तो ये सिर्फ़ और सिर्फ दवाई है, तो ये तभी यूज़ करी जाती है जब हमें कोई इन्फेक्शन हो, फंगल इन्फेक्शन हो या कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो। तो जब डॉक्टर इसको लिखते हैं तभी इसको लिया जाता है, जब इसका थेरापेटिक एक्शन हमें चाहिए। तो इसको नॉर्मली यूज़ नहीं किया जाता। ये मेडिकेटेड डस्टिंग पाउडर्स है जिसमें ड्रग ऐड करी जाती है, ड्रग एडेड टू सिंपल डस्टिंग पाउडर। तो सिंपल डस्टिंग पाउडर के अंदर ड्रग ऐड करी जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं? मेडिकेटेड डस्टिंग पाउडर। तो ये नॉर्मल क्या करता है? नॉर्मल स्किन के ऊपर कोई भी इन्फेक्शन है, जैसे कि फंगल इन्फेक्शन हो गया, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया, इसके अलावा रैश हो गए स्किन पे, तो मतलब कोई भी स्किन की डिजीज़ हो, स्किन का इन्फेक्शन हो, तो उनको ठीक करने के लिए ये डस्टिंग पाउडर्स यूज़ किए जाते हैं। जैसे एंटी फंगल डस्टिंग पाउडर आते हैं, तो एंटी फंगल के अंदर बहुत से डस्टिंग पाउडर्स आते हैं, जैसे कि क्लोट्राइमाज़ोल हो गया, इसका एग्जांपल बहुत अच्छा एग्जांपल है, कॉमन बहुत अच्छा पाउडर होता है ये एंटी फंगल। कोट्राइमोक्साजोल या फिर इंट्राकोनाजोल भी आता है, इसके अलावा और भी बहुत से एग्जांपल है इसके जो हम एज ए एंटी फंगल मेडिकेटेड डस्टिंग पाउडर यूज़ करते हैं। तो अब इसके बाद हम नेक्स्ट पाउडर पढ़ेंगे जो है सर्जिकल डस्टिंग पाउडर। तो जो सर्जिकल डस्टिंग पाउडर है, ये डस्टिंग पाउडर सिर्फ सर्जरी के दौरान यूज़ किया जाता है। सर्जरी के टाइम जब भी कोई नीड होती है थेरेपेटिक एक्शन की, या फिर जैसे स्टिचेस को ड्राई करने की, स्टिचेस को मतलब सही रखने की, या फिर सर्जरी के दौरान जब हमें ज़रूरत पड़ती है किसी भी पाउडर की, तो हम उसको जो पाउडर यूज़ करते हैं उसे बोलते हैं सर्जिकल पाउडर। इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि जब डिलीवरी होती है तो उसके बाद जो अम्बिलिकल जो प्लेसेंटा होता है, अम्बिलिकल ट्यूब होती है जो जॉइन होती है बेबी से मदर तक, तो उस अम्बिलिकल ट्यूब को जब कट किया जाता है तो उसको उसके ऊपर सर्जिकल पाउडर लगाया जाता है, जिससे कि उसमें कोई भी मतलब ब्लीडिंग ना हो या फिर पेन ना हो। तो पेन से रिलीफ के लिए उसके ऊपर पाउडर लगाया जाता है अम्बिलिकल ट्यूब पे, जिसे बोलते हैं सर्जिकल पाउडर्स। तो ये सर्जरी के दौरान यूज़ किए जाते हैं फ्रॉम मतलब कि पेन के रिलीफ के लिए, पेन रिलीफ के लिए, या फिर उसको इन्फेक्शन से बचाने के लिए, प्रोटेक्ट फ्रॉम इन्फेक्शन। इसके अलावा है कि जैसे कोई सर्जरी हुई है तो सर्जरी होने के बाद की जो इंजरी है तो या स्टिचेस हैं उनको हम पैक नहीं कर सकते। पैक करने के बाद क्या होता है, उनको अगर हम ड्रेसिंग कर देते हैं स्टिचेस की तो स्वेटिंग होती है, स्वेटिंग होने के कारण स्टिचेस ख़राब हो सकते हैं। तो डॉक्टर जो है वो प्रेस्क्राइब करते हैं कि आप इसकी ड्रेसिंग ना करें, स्टिचेस की ड्रेसिंग को खुला रखें, ओपन रखें, तो जिससे कि वो जल्दी ही ड्राई हो और ठीक हो जाए स्टिचेस। तो जब स्टिचेस को ओपन रखते हैं तो ओपन जो मतलब कि इंजरी होती है, जो ओपन घाव होता है, उस पर इन्फेक्शन होने का बहुत डर रहता है। तो उसके लिए हम जो पाउडर्स यूज़ करते हैं डॉक्टर्स, वो क्या होते हैं सर्जिकल पाउडर्स, मतलब कि वो इंजरी के ऊपर मतलब कि पाउडर्स को लगाया जाता है जिससे कि इन्फेक्शन ना हो। तो ये इन्फेक्शन से भी बचाते हैं, पेन रिलीफ भी आते हैं इसमें बहुत से पाउडर जो कि सर्जरी के टाइम यूज़ करे जाते हैं, जिन्हें बोलते हैं सर्जिकल पाउडर्स। अब हम थर्ड की बात करेंगे। तो थर्ड था हमारा डेंटल पाउडर्स, डेंटल डस्टिंग पाउडर्स जो थे हमारे, तो ये किस लिए यूज़ करे जाते हैं। ये डेंटल आपको नाम से पता लग रहा है, टीथ से रिलेटेड होगा। डेंटल जहाँ पे वर्ड आ गया तो मतलब ये टीथ पे यूज़ करे जाते हैं। तो ये वो वाले पाउडर्स होते हैं जो हम टीथ की क्लीनिंग के लिए या फिर टीथ के कोई और अदर पर्पज़ के लिए हम इन्हें यूज़ करते हैं। तो टीथ के लिए जो भी हम यूज़ करेंगे पाउडर, उन्हें बोलते हैं डेंटल पाउडर्स। तो इन डेंटल पाउडर्स को हम कैसे यूज़ करते हैं, विद द हेल्प ऑफ ब्रश, टूथ ब्रश की हेल्प से हम इन्हें यूज़ करते हैं। जैसे हम नॉर्मल पेस्ट को ब्रश पे लगाकर हम ब्रश करते हैं टीथ का, तो वैसे ही हम टूथब्रश के ऊपर इन डेंटल पाउडर्स को लगा के और टीथ की क्लीनिंग करते हैं। तो ये तब प्रिस्क्राइब करे जाते हैं जब टूथ में कोई इन्फेक्शन हो रहा हो। तो टीथ में जब भी कोई इन्फेक्शन होता है तो उस टाइम जो पाउडर्स प्रिस्क्राइब करे जाते हैं वो होते हैं डेंटल पाउडर। और इसके अलावा टीथ में कोई तरह का पेन हो तो पेन से रिलीफ करने के लिए भी ये डेंटल पाउडर्स का यूज़ किया जाता है। इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, आप सबको पता होगा, कोलगेट का पाउडर आता है। कोलगेट की एक मतलब कि सिलेंड्रिकल सी कंटेनर आता है कोलगेट पाउडर। तो वो कोलगेट पाउडर भी जो है वो टीथ क्लीन करने में बहुत अच्छी हेल्प करता है और पेन से भी रिलीफ दिलाता है। तो कोलगेट का भी पाउडर आता है। इसके अलावा और भी बहुत सारी कंपनी के पाउडर आते हैं जो यूज़ किए जाते हैं एज अ डेंटल पाउडर्स। अब इसके बाद हम बात करेंगे लास्ट, जो कि है स्नफ़। स्नफ्स क्या होते हैं, स्नफ्स पाउडर्स होते हैं जो कि इनहेल किए जाते हैं नोस्ट्रिल से। तो इसको पूरा का पूरा ये नहीं बोलेंगे कि ये डस्टिंग पाउडर है, क्यों, क्योंकि लिए हम इंटरनल ले रहे हैं तो इसे हम डस्टिंग पाउडर नहीं बोलेंगे। इसका नॉर्मल नेम है स्नफ़। तो स्नफ़ क्या होते हैं, ये वो वाले पाउडर्स होते हैं जो इनहेल किए जाते हैं, इनहेल फ्रॉम नोस्ट्रिल्स। नोज़ से इन पाउडर्स को इनहेल किया जाता है। जैसे कि अस्थमा के अंदर पंप आता है जो हम ओरली इनहेल करते हैं, वैसे ही नोस्ट्रिल से इनहेल करने के लिए भी पंप आता है, जिससे हम पाउडर्स को पंप में फिल करते हैं, पंप को फुल करते हैं और फिर पंप से हम नोस्ट्रिल से, नोज़ से उस पाउडर को इनहेल करते हैं। तो ये जो इनहेलेशन होता है ये पाउडर्स का, ये कहाँ तक जाता है, नेज़ल ट्रैक्ट तक जाता है और लंग्स तक जाता है। तो अगर लंग्स में कोई इन्फेक्शन होता है तो स्नफ़ जो है डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं, या फिर नॉर्मल अगर कोई नेज़ल ट्रैक्ट में कोई इन्फेक्शन है, नेज़ल ट्रैक्ट का इन्फेक्शन या फिर लंग्स का कोई इन्फेक्शन, उसके लिए स्नफ्स यूज़ करे जाते हैं। तो इसके यूजेस जो है मेन वो कहाँ पे होते हैं, इसके यूजेस होते हैं कफ के अंदर, कोल्ड के अंदर। इसके अलावा लंग्स में कोई थोड़ा बहुत इन्फेक्शन हो तो उसके अंदर स्नफ़ यूज़ किए जाते हैं। अब इसके बाद हम बात करेंगे कि जो हम डस्टिंग पाउडर हमारा टॉपिक चल रहा था, डस्टिंग पाउडर के लेबलिंग की, स्टोरेज की और इसकी यूजेस की। तो जो हम कंटेनर यूज़ करते हैं, ये हम नॉर्मल डस्टिंग पाउडर, नॉर्मल इसका कंटेनर रहेगा वेल क्लोज्ड कंटेनर, वेल क्लोज्ड कंटेनर में हम इसको पैक करेंगे। दूसरा इसकी फॉर्मुलेशन जो होगी, फॉर्मुलेशन का मेथड हमने नॉर्मल साइज़ का मतलब कि एक्सप्लेन करना है कि इसका कैसे हम फॉर्मुलेशन किया जाता है। तो हम डिफरेंट जो हम इंग्रेडिएंट्स ले रहे हैं, सभी इंग्रेडिएंट्स का हम क्या करेंगे, अलग अलग इसको वे करेंगे, सभी इंग्रेडिएंट्स को अलग अलग वे करेंगे। वे करने के बाद सभी को एक साथ से मिक्स करेंगे किस में, मोटर पेशल में। मोटर पेशल में इन सभी पाउडर्स को हम एक साथ मिक्स करेंगे। मिक्सिंग करने के बाद हम इनको क्या करेंगे, एक सीव में से इनको पास करेंगे। सीव मीन्स छलनी, जो मैंने आपको साइज सेपरेशन चैप्टर में भी पढ़ाया है सीव। तो सीव जो है वो है मतलब एक तरह से छन्नी होती है। अलग अलग ग्रेड्स की सीव आती हैं जिसमें पाउडर क्या होगा, सेम ग्रेड का, सेम साइज़ का पाउडर जो है वो छन कर पास होगा। और सीव में से पास होने के बाद हमारे पास जो पाउडर आएगा वो सभी एक साइज़ का पाउडर आएगा, बाकी अलग अलग साइज़ के पार्टिकल्स ऊपर रह जाएंगे। एक साइज़ का जो हमारे पास पार्टिकल मिलेगा सीव करने के बाद, वो हम उस पाउडर को क्या करेंगे, पैक करेंगे कंटेनर के अंदर। तो ये पूरा मतलब कि नॉर्मल सा होता है इसका फॉर्मुलेशन कि हमें सभी इंग्रेडिएंट को अलग अलग वे करना है, उसको मोटर पेशल में मिक्स करना है। मोटर पेशल के अंदर मिक्स करने के बाद हम इनको सीविंग करेंगे, जिससे कि हमें वन साइज़ के पार्टिकल सेपरेट हो जाएंगे और फिर हम उन्हें पैक कर देंगे। तो ये हमारी फॉर्मुलेशन कंप्लीट होती है। फॉर्मुलेशन कंप्लीट होने के बाद अब हम पढ़ेंगे इसमें इसकी स्टोरेज। स्टोरेज इसकी हम कहाँ पे करेंगे, कूल प्लेस पे और डार्क प्लेस पे। क्यों? क्योंकि लिए जो ड्राई पाउडर्स हैं वो लाइट या सनलाइट की प्रेजेंस में बहुत जल्दी अनस्टेबल हो सकते हैं, तो इनको डार्क और कूल प्लेस पे हम स्टोर करेंगे। नेक्स्ट है इसके यूजेस इसके जो हैं वो एज अ प्रोटेक्टिव यूज़ होता है ये, और एज अ एब्जॉर्बेंट भी यूज़ होता है। इन्फेक्शंस, लोकल इन्फेक्शंस में यूज़ हो सकता है, बट ये जो डस्टिंग पाउडर है कभी भी सिस्टमिकली यूज़ नहीं होते, सिस्टमिक एक्शन नहीं करेंगे, ये लोकल इन्फेक्शन में काम आते हैं। इसके अलावा है कि इनको कैसे लेना होता है, इनको दिन में 1 से 2 बार इन्फेक्टेड एरिया पे अप्लाई करना होता है, पाउडर को इन्फेक्टेड एरिया पे अप्लाई करना होता है दिन में 1 या 2 बार। डस्टिंग पाउडर्स को, जैसे कि फंगल इन्फेक्शन है तो जिस जगह पे पर्टिकुलर, जिस एरिया में इन्फेक्शन है, अगर हैंड में इन्फेक्शन है, लेग में इन्फेक्शन है, तो पर्टिकुलर उस एरिया के ऊपर दिन में 2 से 3 बार उस पाउडर को डस्ट करना होता है। और सिर्फ इन्फेक्टेड एरिया के ऊपर ही डस्ट करते हैं, पूरी बॉडी पे डस्ट नहीं करते। तो ये पर्टिकुलर क्या करेंगे, ये लोकल एक्शन करते हैं ये डस्टिंग पाउडर्स। तो इसके साथ हमारा डस्टिंग पाउडर टॉपिक ख़त्म होता है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एफरवेसेंट पाउडर्स। तो जो हमारे एफरवेसेंट पाउडर क्या होते हैं, ये वो पाउडर्स होते हैं जो एसिड एंड बेस इन दोनों को मिक्स करके बनाए जाते हैं और जो सिर्फ इंटरनल यूज़ के लिए बनाए जाते हैं। इन दोनों का जो मिक्सचर होता है उसे हम बोलते हैं एफरवेसेंट पाउडर्स। और ये पाउडर्स कैसे होते हैं कि जो एसिड और बेसिस के पाउडर्स को जब हम मिक्स करते हैं तो ये एकदम न्यूट्रल पड़े रहते हैं, इनमें कोई रिएक्शन नहीं होता। बट ये काम कब करेंगे, ये पाउडर तब काम करते हैं जब इन पाउडर को लेने से पहले, इनटेक करने से पहले वाटर के साथ मिक्स करते हैं। वाटर के साथ मिक्स करते ही वाटर की प्रेजेंस में क्या होगा, ये जो एसिड और जो बेस है ये दोनों क्या करेंगे, आपस में रिएक्शन करेंगे। ये दोनों वाटर की प्रेजेंस होते ही रिएक्शन करेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, इस रिएक्शन की वजह से CO2 रिलीज़ होगा। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल, बहुत कॉमन एग्जाम्पल है, सबको पता होगा, इनो। इनो सभी लेते हैं एसिडिटी होने पर। इनो क्या है, एक एंटासिड है। इस कंडीशन में क्या होता है कि एसिडिटी कंडीशन में क्या होता है कि जब HCl स्टमक में बहुत ज़्यादा रिलीज़ होता है या बहुत ज़्यादा सिक्रीट होता है तो एसिड HCl का लेवल बढ़ जाता है। HCl का लेवल बढ़ेगा तो क्या होगा, स्टमक में एसिडिटी होगी। एसिड मतलब कि ईसोफेगस से ऊपर आएगा, ऊपर आने की वजह से पूरा जो ईसोफेगस है, पूरी एलिमेंट्री कैनाल है, पूरी की पूरी हर्ट बर्न होगा, मतलब कि बहुत तेज जैसे जलन होती है वैसे फील होगा। तो जिस वजह से हम क्या बोलते हैं, इसको एसिडिटी बढ़ गई है। तो एसिड कब बढ़ता है, जब HCl का सिक्रीशन बढ़ता है। तो उसको कम करने के लिए हम इनो लेते हैं। इनो क्या होता है, इनो एफरवेसेंट पाउडर होता है जो कि एसिड और बेसिस से मिलकर बना होता है। एसिड और बेसिस का पाउडर होता है, जब वो वाटर के कांटेक्ट में आते हैं, जब हम इनो को वाटर में मिक्स करते हैं तो उसमें रिएक्शन होती है। रिएक्शन होते ही कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होता है। तो रिएक्शन होते ही उसको जब इनटेक करते हैं तो ये क्या होता है, एक न्यूट्रल लिक्विड बन जाता है। जब न्यूट्रल लिक्विड जब स्टमक में जाता है तो वो एसिड की और बेसिस की क्वांटिटी दोनों को क्या कर देता है, न्यूट्रलाइज़ कर देता है। जब वो न्यूट्रलाइज़ हो जाएंगे तो एसिडिटी कम हो जाती है। तो इसीलिए ये जो रिएक्शन है ये होनी बहुत ज़रूरी है एसिड और बेसिस की। इसी वजह से जो HCl का सिक्रीशन है वो कम हो जाएगा। तो अब हम बात करेंगे कि ये कैसे बनाए जाते हैं। तो जो एफरवेसेंट पाउडर्स हैं ये कैसे बनाए जाते हैं, एफरवेसेंट पाउडर्स बनाए जाते हैं एसिड और बेसिस। तो एसिड के अंदर हम क्या लेंगे, एसिड के अंदर टार्टरिक एसिड, इसके अलावा सिट्रिक एसिड, और बेसिक के अंदर हम क्या लेंगे, सोडियम बाइकार्बोनेट, दूसरा सोडियम कार्बोनेट। तो ये दो हम बेस लेंगे, दो हम एसिड लेंगे। इन दोनों के मिक्सचर को जब हम मिक्स करेंगे पाउडर्स को तो वो क्या बन जाएगा, एफरवेसेंट पाउडर बन जाएगा। और वाटर की प्रेजेंस में ये दोनों रिएक्शन करेंगे और CO2 रिलीज़ होगा। तो ये इसका काम होता है। तो ये बात हो गई इसकी फॉर्मुलेशन की, कि इसका फॉर्मुलेशन कैसे किया जाता है, इन पाउडर्स को मिक्स करके। सिंपल मिक्सिंग करते हैं मोटर पेशल में, वही सेम मिक्सर्स या फिर मोटर पेशल में इसकी मिक्सिंग करी जाती है। नॉर्मल मिक्सिंग करके इनको पैक करा जाता है। अब हम बात करेंगे इसकी पैकिंग की। तो इसकी जो पैकिंग है वो कैसे करी जाती है, इसकी पैकिंग करी जाती है सैशे के अंदर। सैशेट के अंदर तो जो सैशे होता है, जैसे कि इनो का पैकेट होता है वो क्या होता है, सैशे होता है, उसे हम सैशे बोलते हैं। जैसे सॉस का सैशे आता है छोटा सा, वैसे ही इनो का सैशे आता है। और वैसे ही हर एफरवेसेंट जो पाउडर्स होते हैं वो सैशे के अंदर ही आते हैं। क्यों, क्योंकि लिए वाटर से और बाहर के एनवायरनमेंट से बचाने के लिए। अगर एनवायरनमेंट में थोड़ा बहुत भी मॉइस्चर है तो वो पड़ा ही पाउडर ख़राब हो जाएगा। तो इसलिए उनको कोई भी कंटेनर के अंदर सही नहीं रहते, वो ख़राब हो जाते हैं। इसलिए उनको सैशे के अंदर थोड़े अमाउंट के अंदर डिस्पेंस किया जाता है। तो जो सैशे होता है वो क्या होता है, वेल क्लोज्ड होना चाहिए, सैशे अच्छे से बंद होना चाहिए, जिससे कि जो एफरवेसेंट पाउडर्स हैं वो बाहर कांटेक्ट में ना आए एयर की। इसके अलावा इसकी जो पैकिंग के बाद हम बात करेंगे इसके यूजेस की। तो मोस्टली ये जो एफरवेसेंट पाउडर्स है ये एसिडिटी के लिए ही यूज़ करे जाते हैं, जिसको हम बोलेंगे एंटासिड की तरह ही ये यूज़ होते हैं। अब लास्ट जो आपका टॉपिक है इस चैप्टर का वो है एफरवेसेंट ग्रैन्यूल्स। तो जो एफरवेसेंट ग्रैन्यूल्स क्या होते हैं, सेम वही जो भी हमने पाउडर्स पढ़े, उन पाउडर्स को हम क्या करते हैं, ग्रैन्यूल्स की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। ऐसे बहुत से एंटासिड आते हैं जो ग्रैन्यूल्स की फॉर्म में आते हैं, और इन ग्रैन्यूल्स का हम क्या करते हैं, आगे कैप्सूल बना लेते हैं। इन ग्रैन्यूल्स को हम कैप्सूल शेल के अंदर एनक्लोज करके सेल कर सकते हैं। जैसे कि बहुत बड़ा इसका एग्जाम्पल है पेंटोप्राजोल। पेंटोप्राजोल क्या है, एंटासिड के कैप्सूल्स आते हैं पेंटोप्राजोल। तो ये पेंटोप्राजोल ट्रांसपेरेंट कैप्सूल आते हैं। तो शेल जो होती है वो ट्रांसपेरेंट होती है, इसके अंदर हमें ड्रग दिखाई देती है। इसके अंदर कलरफुल ग्रैन्यूल्स होते हैं बहुत सारे पेंटोप्राजोल के अंदर। कैप्सूल शेल के अंदर पेंटोप्राजोल के ग्रैन्यूल्स होते हैं। तो वो ग्रैन्यूल्स क्या होते हैं, वो एफरवेसेंट ग्रैन्यूल्स होते हैं। तो ग्रैन्यूल्स को हम डायरेक्टली नहीं ले सकते, इसलिए हम कैप्सूल शेल के अंदर उसको डाल के सेल करते हैं। तो जो पेंटोप्राजोल है ये इसका बहुत कॉमन एग्जाम्पल है। तो अब हम बात करेंगे कि ये जो ग्रैन्यूल्स हैं ये ज़्यादातर क्यों बनाए जाते हैं। क्यों, क्योंकि ये जो पाउडर्स हैं वो पाउडर्स क्या हो सकते हैं, अनस्टेबल हो सकते हैं। अनस्टेबल मीन्स अगर हम डायरेक्ट पाउडर बना के सेल करते हैं तो वो पड़े पड़े ख़राब हो जाते हैं और ज़्यादा नॉट इफ़ेक्टिव, ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं होते वो। इसलिए हमें सस्टेन रिलीज़ के लिए या सस्टेन एक्शन के लिए हमें ग्रैन्यूल्स बनाने पड़ते हैं। जो पाउडर्स हैं वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं होते और नॉट सस्टेन एक्शन, इसका एक्शन जो है सस्टेन नहीं आता, कुछ एक देर के लिए ही रिलीफ कर सकते हैं, और इंस्टेंट एक्शन आता है इनका पाउडर्स का। जो अगर हम एफरवेसेंट पाउडर्स की बात करें तो उनका इंस्टेंट एक्शन आता है बट लॉन्गर पीरियड के लिए नहीं होता, थोड़ी देर के लिए रिलीफ करता है बस पेन से या एसिडिटी से। बट अगर ग्रैन्यूल्स की बात करें, हम ग्रैन्यूल्स क्यों बना रहे हैं पाउडर से, क्योंकि लिए ये सस्टेन्ड एक्शन करेगा, लंबे समय तक स्टेबल रहेगा और इफ़ेक्टिव काम करेगा। तो पाउडर्स की बात करें तो ये ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं होंगे, अनस्टेबल हो जाते हैं और सस्टेन एक्शन नहीं करते हैं, इसलिए हम ग्रैन्यूल्स बनाते हैं। तो अब हम बात करेंगे कि ग्रैन्यूल्स कैसे बनाए जाते हैं एफरवेसेंट्स के, एफरवेसेंट ग्रैन्यूल प्रोडक्शन। तो वही सेम आएगा, एसिड के अंदर हम क्या लेंगे, सिट्रिक एसिड, टार्टरिक एसिड, और बेस के अंदर हम क्या लेंगे, सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम कार्बोनेट। दो बेस और दो एसिड लेकर हम क्या करेंगे, इनको ग्रैन्यूल्स में कन्वर्ट करेंगे। तो इनको हम क्या करेंगे, इनको हम मिक्सिंग करेंगे इनकी, और फिर इसकी प्रोडक्शन मेथड दो टाइप के हैं, हीट मेथड और वेट मेथड। दो मेथड से ग्रैन्यूल्स बनाए जाते हैं। ग्रैन्यूल्स मीन कि जो सिंपल पाउडर है उनको मिक्सिंग करके उनकी मिक्सचर बना के उनको ऐसी टेक्निक्स यूज़ करते हैं, दो टेक्निक्स हैं, हीट मेथड और वेट मेथड। इन दोनों टेक्निक्स से हम इन्हें ग्रैन्यूल्स में कन्वर्ट कर देंगे। मतलब ग्रैन्यूल्स क्या होते हैं, एक ये सिंपल पाउडर है, इस सिंपल पाउडर को हम क्या करेंगे, टेक्निक्स यूज़ करके या वाटर यूज़ करके इनको हम ग्रैन्यूल्स में कन्वर्ट कर लेंगे। जब ये ग्रैन्यूल्स बन जाते हैं तो ये ज़्यादा स्टेबल होते हैं, सस्टेन रिलीज़ करते हैं ड्रग, और लॉन्गर पीरियड तक इसका एक्शन आता है। तो हम ग्रैन्यूल्स बनाना ज़्यादा प्रेफर करते हैं एज़ कम्पेयर टू सिंपल पाउडर देने से पेशेंट को। तो पाउडर ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होगा, ग्रैन्यूल्स हम बनाते हैं। तो ग्रैन्यूल्स का जो मैथड है बनाने का, हीट मैथड और सेकेंड है वेट मैथड। अब हम वन बाय वन दोनों मैथड पढ़ेंगे। हीट मैथड क्या होता है, फर्स्ट इज़ हीट मैथड। हीट मेथड में क्या होगा कि जो हम एसिड और बेस का पाउडर ले रहे हैं, इन पाउडर्स को हम मिक्स करेंगे और इस मिक्सचर को हम वाटर बाथ के ऊपर हमने क्या रखा हुआ है, वाटर बाथ के ऊपर हम चाइना डिश रखेंगे या फिर ग्लास की, कांच की डिश रखेंगे। उस डिश के अंदर हम क्या करेंगे, इन पाउडर के मिक्सचर को ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद हम वाटर बाथ में बॉइलिंग स्टार्ट करेंगे वाटर की। वाटर बाथ में हम बॉइलिंग करेंगे और बॉइलिंग करने के बाद जो जितना भी पाउडर है ये सारा क्या होगा, मेल्ट हो जाएगा। पाउडर मेल्ट होगा। मेल्ट होने के बाद ये पाउडर क्या बना लेगा, ये पाउडर बना लेगा डंप मास्क। ये डंप मास्क बना लेगा। मास्क मतलब कि जैसे कि एक सिंपल पाउडर को हम गर्म करेंगे तो वो क्या है कि एक मास्क बना लेगा, मतलब कि एक सॉलिड, जैसे कि ऐसे हम आटा गूंथते हैं तो जो मास बन जाता है वैसा मास बना लेगा पाउडर, मतलब कि गर्म होने के बाद, बॉइलिंग होने के बाद। तो ये बॉइलिंग हम कितनी देर तक करेंगे, ये 1 to 5 मिनट तक हम इसकी बॉइलिंग करेंगे। तो बॉइलिंग करने के बाद ये जो डंप मास्क बनाएगा पाउडर, इसका हम क्या करेंगे, इसकी सीविंग करेंगे। सीविंग 8 नंबर सीव से हम इसको सीव करेंगे। 8 नंबर सीव में जो हमारे पास ग्रैन्यूल्स आएंगे, सीव मतलब कि वही मैंने आपको बताया, छलनी से इस मास को हम छानेंगे तो ग्रैन्यूल्स निकलेंगे छोटे छोटे। ग्रैन्यूल्स जो बनेंगे उनको हम ड्राई करेंगे हॉट एयर ओवन के अंदर। हॉट एयर ओवन के अंदर हम इसको क्या करेंगे, ड्राई करेंगे 60 डिग्री सेल्सियस से कम टेम्परेचर पे। 60 डिग्री से अगर हम ज़्यादा टेम्परेचर करेंगे हॉट एयर ओवन का तो वो जो ग्रैन्यूल्स है वो जल सकते हैं, ख़राब हो सकते हैं। तो हम 60 डिग्री सेल्सियस से कम टेम्परेचर रखेंगे हॉट एयर ओवन का, और इसको मतलब हाफ एन आवर तक हम इन ग्रैन्यूल्स को ओवन में रखेंगे और इनको ड्राई करेंगे। इनमें जो भी मॉइस्चर है या कोई भी थोड़ा बहुत भी कंटेंट है मॉइस्चर का तो वो ड्राई हो जाएगा। तो ये जो पाउडर ड्राई हो जाएंगे, इनको हम ग्रैन्यूल्स को क्या करेंगे, पैक कर देंगे सैशे के अंदर। तो ये या फिर इनको कैप्सूल बनाने के लिए फिल कर देंगे कंटेनर में। तो ये प्रोसेस है हीट मेथड ग्रैन्यूल्स बनाने का। अब हम नेक्स्ट मेथड की बात करेंगे। नेक्स्ट मेथड इज़ वेट मेथड। वेट मेथड में क्या होगा कि जो भी हमने मतलब कंटेंट लिया है, जो भी इंग्रेडिएंट्स हमने लिए हैं पाउडर के, इंग्रेडिएंट्स को हम क्या करेंगे, मिक्स करेंगे। और मिक्स करने के बाद हम इन इंग्रेडिएंट्स में क्या डालेंगे, इसमें हम वेट करने के लिए, आपको नाम से पता लग रहा है वेट मेथड मीन्स इन इस पाउडर के अंदर हम कोई ना कोई लिक्विड ऐड करेंगे इनको वेट करने के लिए, गीला करने के लिए। तो जो भी इंग्रेडिएंट है हमने मिक्स करेंगे उनको वे करके पाउडर्स को, और क्वांटिटी वे करने के बाद इनको मिक्स करने के बाद हम इसमें कोई भी नॉन एक्वस लिक्विड ऐड करेंगे। नॉन एक्वस लिक्विड का एग्जाम्पल है हम इसमें एल्कोहल ऐड करेंगे। एल्कोहल ऐड करेंगे और मिक्स करने के बाद ये डैम्प मास्क बन जाएगा। जैसे कि हम आटा गूंथते हैं, सिंपल आटे के अंदर हम पानी डालते हैं तो वो मास्क बन जाता है एक, तो वैसे इसमें भी डैम्प मास्क बन जाएगा। जो मास्क बनेगा हम उसको क्या करेंगे, सीव करेंगे। सीव करने के बाद वही सेम प्रोसेस 8 नंबर सीव से पास करेंगे, उसके बाद हम इसको ड्राई करेंगे, वही सेम आएगा प्रोसेस सारा, बस उसमें हमने हीट किया था, इसमें हम लिक्विड ऐड कर रहे हैं, ये दो ही डिफरेंस है। वही हम इसको हॉट एयर ओवन से 60 डिग्री से नीचे इसको ड्राई करेंगे। ड्राई करने के बाद इन ग्रैन्यूल्स को हम पैक करेंगे। सेम प्रोसेस है सारा, बस सिर्फ उसमें ये डिफरेंस था कि हम सारे पाउडर को मिक्स करके हम हीट कर रहे थे वाटर बाथ के ऊपर, इसमें हम क्या कर रहे हैं सारे पाउडर को मिक्स करके लिक्विड ऐड कर रहे हैं अल्कोहल। ऐड करने के बाद वही सेम मास्क बनाएंगे, सीव करेंगे, ड्राई करेंगे और पैक करेंगे। तो ये दो जो मैथड थे हमारे ग्रैन्यूल्स बनाने के मैथड थे, हीट मैथड एंड वेट मैथड। अब लास्ट में हम पढ़ेंगे इसकी लेबलिंग। तो लेबलिंग जो है इसकी वो इंटरनल यूज़ की होनी चाहिए कि ये जो पाउडर्स हैं या ग्रैन्यूल्स हैं ये इंटरनल यूज़ होते हैं, फॉर इंटरनल यूज़ ओनली। और इसकी जो स्टोरेज है वो हमें वेल क्लोज्ड कंटेनर्स में करनी चाहिए, जिससे कि ये ग्रैन्यूल्स ख़राब ना हो और वाटर के कांटेक्ट में ना आए। वाटर के कांटेक्ट में आते ही रिएक्शन कर जाएंगे और ख़राब हो जाएंगे। इसके अलावा इसके यूजेज़ हैं, तो इसका जो मेन इम्पॉर्टेंट यूज़ है वो है एंट एसिड। एंट एसिड के लिए ही एफरवेसेंट ग्रैन्यूल्स और एफरवेसेंट पाउडर्स बनाए जाते हैं। इसके साथ आपका आज का पाउडर एंड ग्रैन्यूल्स चैप्टर ख़त्म होता है। थैंक यू।